हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसमें कोई भी बाइक या स्कूटी का रिव्यू वगैरह नहीं होने वाला है। आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, मैंने अपने जो मेरे पास स्कूटर है TVS Ntorq, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे को पहले से जानते हैं, उनको पता है मेरे पास जो स्कूटर है TVS Ntorq है, तो उसका जो मैंने टायर्स वगैरह जो है चेंज करवाए हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, TVS Ntorq के जो टायर्स हैं वो मिलते नहीं हैं, बहुत बढ़िया टायर नहीं मिलते हैं, एंड जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। सो आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को कैसे शॉप बताऊंगा, करोल बाग में वाली शॉप पड़ती है जहाँ से खुद मैंने अपने जो है पर्सनली टायर चेंज करवाए हैं उस शॉप से। सो शॉप की जो डिटेल है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी। एंड दोस्तों, जो मैंने टायर लगवाए हैं इसके अंदर, वो थोड़े से फैट टायर लगवाए हैं, एंड एक साइज जो है वो अपर साइड में लगवाया है मैंने। सो आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने कौन से टायर लगवाए हैं। सो फ्रेंड्स, वहाँ की जो वीडियो वो वॉइस मैंने रिकॉर्ड करी थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी चलाए हुए थे साइड वाली शॉप ने। सो दोस्तों, कॉपीराइट आने का इशू था, इस वजह से मैं जो ये वाली वीडियो अपने तरीके से डाल रहा हूँ दोस्तों। बेसिकली जो मोटो है आज की वीडियो का यही है, एक तो शॉप आप लोगों को बताना, एंड सेकंड चीज़ फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताना कि TVS Ntorq के बेस्ट टायर कौन से होते हैं। सो दोस्तों, आप भी पूरी यही कोशिश करना कि यही वाले टायर लगवाओ। मैंने बहुत सारे टायर देखे दोस्तों, बहुत सारे, ठीक है। मैंने JK टायर देखे, MRF देखे, रालको देखे, एक वी रबर आते हैं उसके देखे, मैंने बहुत सारे टायर देखे। तो मैं बताता हूँ मैंने लगवाए हैं कौन से, एंड वो बढ़िया टायर होते हैं, एंड कोशिश करना कि आप भी वही ही सब लगवाओ। और जिसके यहाँ नहीं मिल रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, एंड किसी भी पंचर वाले से, किसी भी टायर वाले से जाके आप अपने जो टायर हैं वो फिट करवा सकते हैं दोस्तों। आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से मंगवा लेना, ठीक है। सेम टायर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, इसमें हमारे को जो स्टॉक टायर लगे हुए आते हैं TVS Ntorq में, वो दोस्तों TVS के खुद के अपने टायर होते हैं। जो प्रोफाइल होती है टायर की वो फ्रंट वाला होता है 100/90/12 का, और जो रियर टायर होता है वो हमें इसका स्टॉक मिलता है 110/80/12 का, ठीक है। पीछे वाला टायर हमें थोड़ा सा मोटा मिलता है TVS का। सो उसमें काफ़ी सारी जो कंप्लेंट आती हैं वो ये आती हैं दोस्तों, ज़्यादातर तो जो कंप्लेंट आती हैं आपका जो टायर है ओरिजिनल टायर वो फूल जाता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सच बताऊं तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप लोगों को एक जेन्युइन बात बता दूं मैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा जो टायर है दोस्तों वो बस घिस गया था और उसमें काफ़ी सारे पंचर हो गए थे, लेकिन बाय गॉड अभी तक लकीली मेरा जो टायर था वो एक बार भी फूला वगैरह नहीं था ना फटा था। एंड जो मेरा स्कूटर है वो 30,000 ड्रीवन हो चुका है, 30,000 किलोमीटर पर मैंने इसके टायर जो है चेंज करवाए हैं, ठीक है दोस्तों। और जो मैंने टायर लगवाए हैं दोस्तों, फ्रंट टायर मैंने लगवाया है JK टायर। फ्रंट में मेरे पास दो ऑप्शन थे लगवाने के लिए, या तो मैं MRF लगवाता दोनों सेट, ठीक है, लेकिन MRF की जो कोस्टिंग है वो एक टायर आप लोगों को पड़ता है, जो फ्रंट टायर होता है वो पड़ता है आप लोगों को 1650 का, जो रियर टायर होता है वो आप लोगों को पड़ता है 1950 का। तो ये आप लोगों को कोस्टिंग आ जाती है 3600-3700-3800 रुपए तक, ये जो कोस्टिंग है चली जाती है, ठीक है। तो MRF के जो बहुत ज्यादा कॉस्टली टायर होते हैं, एंड वारंटी की बात करें तो वो भी हमें 3 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। एंड अब बात करते हैं रालको की। रालको की दोस्तों जो वारंटी होती है वो आप लोगों को लाइफ टाइम मिलती है। रालको है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, रालको JK टायर, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है फ्रंट टायर के लिए, अगर आपने थोड़े लो बजट में जाना है। या अभी जो इनकी कॉस्टिंग की बात करें, ये दोनों ही टायर आप लोगों को 1350 से लेके 1550 तक की रेंज में आप लोगों को इजीली मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रंट में जो मैंने टायर लगवाया वो JK टायर लगवाया, मैंने JK टायर चूज किया क्योंकि JK टायर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एंड अगर टायर आप दोनों हाथ में पकड़ के देखेंगे, एक रालको और एक JK टायर, तो JK टायर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने वो वाला टायर ही लगवाया है JK टायर। अब आ जाते हैं रियर में। दोस्तों, रियर में मेरे को शौक है कि बहुत ज़्यादा चौड़ा टायर हो। मेरी जो रॉयल इनफील्ड बुलेट है उसमें भी मैंने पीछे मोटा वाला टायर जो है लगवाया हुआ है। एंड दोस्तों, मेरे को अपनी स्कूटर में भी पीछे जो है रियर में मोटा वाला टायर लगवाना था, तो मैंने इसमें भी एक साइज बड़ा कर दिया है। पहले जो स्टॉक टायर आता था वो आता था 110/80/12 का, अब जो मैंने इसका रियर टायर लगवाया 120/70/12 का, ठीक है, वो मैंने लगवाया वी रबर का। एंड वो वी रबर का मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि जो शॉप के ओनर थे, जो वहाँ के जो अंकल जी थे शॉप के ओनर, उन्होंने मेरे को एक बेस्ट सलाह दी कि भाई अगर ये टायर आपका फट गया, कट गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो साल की बात नहीं कर रहा, अगर इसको कुछ भी हो जाए तो मेरे पास लेना, आपको मैं नया टायर दे दूंगा हाथों हाथ ही। जब अंकल ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी, उनका काम था वो, ठीक है, तो उनको एक्सपीरियंस है, तब उन्होंने वाली बात बोली मेरे को। कह रहे बाकी आपकी मर्जी है, आपको लगवाना लगवा लो, लेकिन मैंने प्रेफर करा कि अंकल की बात सुनना, क्योंकि देखो यार वो उस काम के एक्सपर्ट हैं, उनको उनका डेली का काम है ये सब चीज़ें देखना, टायर का उनका काम ही है। सो उनकी बात मैंने ज़्यादा अच्छी मानी। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, प्रॉपर मेरे को बिल दिया है, ठीक है, तो जब उन्होंने इतनी बड़ी बात मेरे को बोल दी तो उनकी बात माननी तो फिर बनती थी दोस्तों। तो आप लोगों ने थोड़े बहुत पार्ट्स में फिटिंग होते हुए देख लिए होंगे। तो दोस्तों, जो फैट टायर मैंने लगवाया रियर में वो देखने में इतना चौड़ा लग रहा था, लेकिन फिटिंग के बाद वो टायर थोड़ा सा
पतला हो चुका है, ठीक है, अब वो उतना ज्यादा चौड़ा नहीं लग रहा जितना पहले लग रहा था। देखो सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन वो टायर दिखने में बहुत ज्यादा चौड़ा था दोस्तों। वो जो टायर है वीरोबर के जो टायर होते हैं, ये कोई लोकल ब्रांड नहीं है, थाईलैंड का ब्रांड है दोस्तों। कहीं आप लोग सोचो आपने नाम नहीं सुना वीरोबर का, ये थाईलैंड का ब्रांड होता है दोस्तों। एंड जो भी आप वेस्पा के स्कूटर्स वगैरह देखोगे, ज्यादातर स्कूटर्स के अंदर आप लोगों को वीरोबर के टायर आते हैं। जो वेस्पा हम लेते हैं ना, पेजो वेस्पा हम जो लेते हैं, उसके अंदर जो टायर्स आते हैं वो वीरोबर के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो टायर लगवाया वीरोबर का लगवाया, एंड वारंटी सब मिली है मेरे को, प्रॉपर एक बिल दिया है। एंड अंकल की जो नॉलेज थी वो बहुत ज़्यादा थी, एंड अंकल को बहुत सच में बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी टायर्स के बारे में, तो मैंने उनकी बात मानना ज़्यादा प्रेफर करा। अगर कोई ऐसे ही होता दोस्तों तो फिर मैं उसके बाद शायद नहीं मानता, लेकिन अंकल एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे एंड बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज थी टायर्स के बारे में, ठीक है। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया ऐसा कुछ दिया, जो बात है जेन्युइन है। अब मैं उनसे फर्स्ट टाइम आज मिला, मैंने भी उनकी यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखी थी, जो एक भाई है धार्मिक राइटर उनका चैनल है, तो उन्होंने उनकी वीडियो वगैरह शूट करी थी, तो मैं उनकी वीडियो देख के मैं वहाँ तक गया था। तो मेरे को जो टोटल कॉस्टिंग आई है वो काम करवाने के बाद भाई 2700 रुपये के मेरे टायर जो है चेंज हुए हैं। अभी वो लोग यहाँ देख भी सकते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों 2700 रुपये का बिल है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा 2700 रुपये का मेरा बिल आया। एंड जो शॉप है उस शॉप का नाम है ग्लोब इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, आप लोगों को करोलबाग में शॉप मिल जाएगी, और मैं लिंक इसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो दोस्तों आप प्लीज़ वहाँ जरूर जाना, आप लोग वहाँ से लगवा के आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ मिलेगा। एंड एक चीज़ और दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूर दूर से भी लोग उनके पास आते हैं, कोई छतरपुर से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आता है, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई गाज़ियाबाद से उनके पास आता है टायर चेंज करवाने। सो अगर आपके पास एंटॉर्क है सो मेक श्योर आप वहीं जाओ। मैंने भी जाने से पहले कम से कम 8 से 10 शॉप पे पता करा था, एंड ये जो टायर इन्होंने दिए और जो इन्होंने मेरे को नॉलेज दी, ये नॉलेज दोस्तों किसी के पास भी नहीं थी। एंड कोई भी बंदा कोई से भी टायर लगवा लो ये बोल रहा था, लेकिन अंकल ने जो नॉलेज दी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप दिल्ली के आसपास भी कहीं रहते हैं ना, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इनके पास जरूर जाओ, और अगर आपको कोई भी काम हो तो इनसे जरूर करवा लेना एक बार टायर का। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कुछ पसंद आया हो, तो प्लीज़ पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।